अब विकास वही आदमी करेगा जो घाटा में दम हो, सबका बस का बात नहीं है। अब विकास वही आदमी करेगा जिसका विकास नाम हो। हम लोग का स्कूल का बढ़िया व्यवस्था नहीं है, रोड की सारी समस्या अभी लगी हुई है। इतना सा सारा रोड है, इतना अभी पड़ी हुई रोड के हम लोग को चलने का मुश्किल पड़ जाता है। और हम तो यही कहेंगे कि अब्बर बार जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं गढ़वा में 4 तारीख को, जी 4 तारीख को चेकना में कि कहां तो आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी अगर मेरी बात को अगर सुनते होंगे तो वो खुद हिसाब लेंगे कि आप विधायक रहे विश्रामपुर क्षेत्र में तो आप विकास क्यों नहीं किए, जनता इतना पूछ रही है, आपको इतना पैसा दे रहे हैं, इतना इतना सारा सौगात हम झारखंड में भेज रहे हैं, आपकी विकास क्यों नहीं हुई। का दोस्त भाई सुनील, आप देख रहे हैं झारखंड दृष्टि। अभी हम विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में कांडी प्रखंड के सड़की ग्राम में पहुंचे हुए हैं और बिल्कुल हम लोग रोड पर निकल चुके हैं कि यहाँ जनता का क्या मिजाज है और अबर बार जनता किस मुद्दे पर वोट करेंगे। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि अबर बार विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र का जनता क्या कर रहे हैं। बाबा अपना परिचय बताइए। मेरा नाम तो राम सुंदर मेहता। झारखंड में अबर बार किसका सरकार देखना चाहते हैं? देखिए सरकार कोई भी बने, हम तो चैलेंज नहीं करेंगे, सब समय हमारे मुट्ठी में है, लेकिन जो जोग हो भगवान उनको चुन ले कि विकास का काम हो बस। आप विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं, रामचंद्र चंद्रवंशी जी के कार्यकाल में विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र का और सड़की का विकास कितना हुआ है? कुछ नहीं, ये देखिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो क्या अबर बार जनता का क्या मतलब मिजाज है? वही ना बात पहले कह रहे थे, सब तो कोई मुट्ठी में हमारा नहीं है जो हम करे, लेकिन हम उनको तो देखना नहीं चाहते हैं, नगवाते हैं सड़की कभी भी। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि अबर बार सड़की की जो जनता है किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे और हम लोग अभी बदलाव चाहते हैं नया, एवं जो जुझारू नेता हो उसके लिए, जो कि हम लोगों का अभी तक जर्जर स्थिति पड़ा हुआ है, ये देखने के चल के देखने की चीज है। रोड जो है न कहीं पे नली है न कहीं पे रोड है, और 15 साल से मान लीजिए कोई विधायक बने हुए हैं, वर्तमान में भी है, उसके पहले भी 10 साल पहले विधायक पूर्व में रह चुके हैं, वो लोग भी को हमारे गाँव में कुछ विकास नाम के है ही नहीं। और जब से जीत के गए हैं विधायक, वर्तमान विधायक, अभी तक हमारे गांव में एक का दुका आए होंगे वो 5 साल के अंदर, ना अभी तक नहीं आए हैं। तो उनको मीटिंग चल रही थी एक जगह में, हम लोग दो आप मुस्लिम युवा खड़े थे, हम लोग उसको चेहरा के देख करके उन्होंने बताया कि तुम लोग मुस्लिम होकर तुम लोग का जरूरी नहीं है यहाँ पे, तुम आप जाओ, समझ गए ना, जाओ ना। मुना चंपा जी बोले हम उनसे डिबेट करेंगे, बात में आमने सामने बात करेंगे, वो हमसे बोले कि आप चुप रहो, काम की ना लगे, कांडी जो क्या बोलते हैं हॉस्पिटल है मैंने बनवाया। हम बोला कि आप नहीं बनवाया, ये भानु प्रताप शाही ने जो कि पूर्व में वो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने बनवाया, वो कहे कि आप चुप रहो। हम कहे कि आप मुना भाई आप डिसिप्लिन में बात किया कीजिए, मैंने उनसे बात बोला। तो फिर बाद में बोलता है कि नहीं आप मेरा दोस्त मेरा भाई है, क्यों नाराज है, लेकिन वो लोग आते अबर बार मतलब क्या चाह रहे हैं? अब हम लोग बदलाव चाह रहे हैं, हम लोग युवा सब एक साथ में आ गए हैं, अब हम किसी को जो बदलाव के रूप में किसको देखना चाहते हैं? बदलाव के रूप में हम लोग, हमको तो लगता है कि सबसे अच्छा सिराज खान है, ये है जो कि दबे कुचले समाज से वो पार्टी से आ रहे हैं, चूंकि वो उनको टिकट मिला है चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी से, मैं उनको देखना चाहता हूँ। वो चंद्रवंशी जी तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में, हमको तो नहीं लग रहा है। अगर देख लीजिए मुआयना कर लीजिए और आगे चल के देख लीजिए कितना रोड खराब है, मास्टर को आना जाना यहाँ पे स्कूल करीब में है, अगर मास्टर से पूछ लिया जाए स्कूल खुलता है तो क्या कठिनाई आपको आने जाने के लिए, मास्टर सर बता देंगे, हम लोग तो कह विपक्ष का वाला है पक्ष वाला। चलिए करेंगे हमारे साथ और कुछ जनता जुड़े हुए हैं। चाचा का नाम है मजीदीन खान। झारखंड में अबर बार किसका सरकार देखना चाहते हैं? सिराज खान का सरकार देखना है, मैंने विश्रामपुर में ना, लेकिन झारखंड में किसका सरकार देखना चाहते हैं? चंद्रशेखर आजाद को।
और विश्रामपुर में विकास हुआ है, विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है। कोई हुआ होगा तो नहीं बतवाते के सकते हैं, लेकिन सड़की में तो नहीं हुआ। चलिए हम और जानने की कोशिश करते हैं, जुड़ते हैं। सर अपना परिचय बताइए। उपेंद्र पांडे। सर अबर बार विश्रामपुर की जो जनता है मैंने किस मुद्दे पर वोट करेंगे? मुद्दा यही विकास। विकास क्या? नली है, कॉलोनी है, गरीब के जो मदद सहाय कुछ मिले। आदमी उम्मीद यही ना करता है कि हम एक प्रत्याशी विधायक को ऐसा बनाए जो कि हमारे दुख सुख में शामिल हो आवे। सर चंद्रवंशी जी के कार्यकाल में कितना विकास? कुछ नहीं कहेंगे, जो किए हैं बढ़िया किए हैं, वो अपने स्तर से वो अपने सोच समझ करके बढ़िया किए हैं, विकास किए हैं, गरीब लोग की मदद जरूर किए हैं, लेकिन जहाँ किए हैं वहाँ किए हैं। अब हर बार क्या परिवर्तन होगा? अब देखिए भगवान जानेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। या उन्हीं को दोबारा मौका मिलेगा, भगवान चाहेंगे तो जरूर मिलेगा। चलिए हमारे साथ और एक शख्स जुड़े हुए हैं, चलिए इनसे भी हम बात करते हैं। सर अपना परिचय बताइए। हमारा नाम है कमलेश पासवान, ग्राम सड़की, हम पथरिया पंचायत के रहने वाला हैं। हमारे गांव में विकास बहुत रुका हुआ है, विकास के चलते बहुत मने काम कोई लाइक के नहीं है। भैया रामचंद्र चंद्रवंशी जी पूरा है तो हम लोग के बारे में उन नेता मने ऐसे खत्म आदमी हाँ कुछ नहीं, अभी तक आए हैं नहीं, न कभी जुड़े हैं, पाँच साल में तक नहीं हम लोग देखे हैं चेहरा, लेकिन हम लोग ने अभी तो वोट मांगने आएंगे ना, आएंगे तो देखा जाएगा क्यों कर देंगे हम लोग, कहाँ मन होगा वहाँ वोट दे सकते हैं, वोट में कौन हमें रोक सकता है। अच्छा आपके गांव में विकास हुआ है कि नहीं? कभी नहीं हुआ है, पाँच साल के अंदर में विकास क्या बोलता है चंद्रवंशी जी, अभी तक इधर में चेहरा नहीं दिखाए हुए हैं, तो जबकि पाँच साल में नहीं विकास हुआ है तो फिर अगर मैं अभी हमें चुनाव दे के वोट दे के जीता देंगे तो फिर अभी पाँच साल में वो जीत जाएंगे तो हम फिर विकास होगा? कभी नहीं होगा, बात यही हम कहते हैं। चलिए और शख्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर अबर बार क्या माहौल है विश्रामपुर का? हम लोग का जो सिस्टम है, हम लोग का परिवर्तन लाना तो जरूर है, लेकिन विकास हम लोग को चाहिए। अब विकास वही आदमी करेगा जो घाटा में दम हो, सबका बस का बात नहीं है। अब विकास वही आदमी करेगा जिसका विकास नाम हो। आप युवा हैं, आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा जिस पर यहाँ के युवा वोट करेंगे? हम लोग का स्कूल का बढ़िया व्यवस्था नहीं है, रोड की सारी समस्या अभी लगी हुई है, इतना सा सारा रोड है, इतना अभी पड़ी हुई रोड के हम लोग को चलने का मुश्किल पड़ जाता है। और हम तो यही कहेंगे कि अबर बार जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं गढ़वा में 4 तारीख को, जी 4 तारीख को चेकना में कि कहां आ रहे हैं, अब प्रधानमंत्री जी अगर मेरी बात को अगर सुनते होंगे तो वो खुद हिसाब लेंगे कि आप विधायक रहे विश्रामपुर क्षेत्र में तो आप विकास क्यों नहीं किए, जनता इतना पूछ रही है, आपको इतना पैसा दे रहे हैं, इतना इतना सारा सौगात हम झारखंड में भेज रहे हैं, आपकी विकास क्यों नहीं हुई? बस हम इतना ही बात कहकर हम परिवर्तन के तौर पर किसको देख रहे हैं? परिवर्तन के तौर पर हम कुछ नहीं कहेंगे, अभी कुछ नहीं कहेंगे। चलिए हमारे साथ और कुछ लोग जुड़े हुए हैं। बाबा अरे हाल चाल बा, अरे बताओ कुछ नहीं खे, नाम का बात है राव, नाम का बार नाम जाना, नाम तो राम जन्म है। अच्छा वृद्धा पेंशन मिला ला बाबा? अरे पेंशन तो मिला ला, लेकिन झोपड़ी तो महान हुए सब टूटल फूटल। अच्छा आवास वगैरह मिलल कि नहीं? हाँ मिला, सब घोटाला खा जा पड़े, झारखंड सरकार में अब हुआ आवास मिलत बा, कुछ नहीं खे मिलत। अच्छा बिजली बिल माफ हुई कि नहीं? राव का जानी माफ हुई कि नहीं अभी पता नहीं खे, लेकिन माफ हुई पता नहीं खे। अच्छा अबर बार आप किनको वोट कर रहे हैं? देखिए जैसा माहौल होगा अभी। अच्छा, माहौल को देख के। हाँ चलिए हमारे साथ और कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। सर विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में चंद्रवंशी जी के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है? विश्रामपुर विधानसभा के आपका चैनल के माध्यम से सभी ग्रामीण जनता के अपूरा 1,40,000 जनसंख्या जितना है सबको आपका चैनल के माध्यम से सबको मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपका चैनल के माध्यम से पूरे भारत के लोगों को, नौजवानों को, जितने भी है सबको हम आपका चैनल के माध्यम से
धन्यवाद देता हूँ, सबको सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ। मैं आपका चैनल के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान में मैं एक मैसेज भेजना चाहता हूँ कि हम लोग एक हो किए और नेक हो किए, और हम लोग हिंदुस्तान का जो हम लोग का उत्थान करना है उस पर विचार कर कर हम लोग विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्रामीण जनता मिलजुल कर वोट करेंगे, अपना विकास की ओर हम लोग जाएंगे। अभी अभी देख रहे हैं कि हमारे स्कूल में बाउंड्री नहीं है, गेट नहीं है, सड़क नहीं है। बच्चे लोग जब बारिश होता है सर, बच्चे लोग से पूछ लिया जाए कि यहाँ जो खिचड़ी का व्यवस्था उसमें भी घोटाला है, और बच्चे लोग जब पढ़ने स्कूल में जाएंगे पैसा आएगा उसमें भी कमीशन है, और यहाँ मास्टर आके सब झुकते हैं हेडमास्टर साहब और कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अबर बार विश्रामपुर का क्या माहौल है? विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में माहौल बदलाव अभी लोग चाह रहे हैं। अगर लोग चाह रहे हैं तो लोग से हम बाहर नहीं है। बदलाव के तौर पर किनको देखना चाहते हैं? बदलाव के तौर पर हमारे नौजवान दो तीन गो उठे हैं, जिसमें हमारे सभी माने एक आंकड़ा मिलाने पर आजाद समाज पार्टी का ज्यादा वोट यहाँ विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 67,000 वोट है रविदास समाज के सिर्फ। और गठबंधन हो गया हम लोग का आजाद समाज पार्टी का मुस्लिम का, जिसमें 53,000 वोट है। अगर इन लोग खुलकर अगर वोट दे देते हैं तो हमारे आजाद समाज पार्टी का जो सिराज खान है जीत सकते हैं।